बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लेन लेटर सैंपल नंबर 1, यानी आप कंप्लेन लेटर किस तरह लिख सकते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसके पार्ट्स क्या होंगे या कंपोनेंट्स क्या होंगे। तो ये हमारे पास एक कंप्लेन लेटर दिया गया है, हम इसी लेटर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी लेटर लिखेंगे तो आपके पास जो सेंडर है या जो राइटर है उसका एड्रेस आएगा राइट साइड पर। कैसर एंड को ये कंपनी का नाम है, लाहौर पाकिस्तान उसका एड्रेस है। ये कंपनी कैसर एंड को ये कंप्लेन लेटर लिख रही है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास December 1, 2018 ये डेट है, यानी जिस डेट को ये लेटर लिखा जा रहा है। तीसरे नंबर पे हमारे पास रिसीवर का एड्रेस आएगा, यानी जिसको ये लेटर लिखा जा रहा है। द मैनेजर आसिफ एंड को प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम लाहौर पाकिस्तान, ये उसका एड्रेस है। चौथे नंबर पे हमारे पास ग्रीटिंग आएगी, डियर सर। पांचवें नंबर पे हमारे पास बॉडी है। बेसिकली बॉडी में हम वो मेन मैसेज या वो मेन कंटेंट लिखते हैं कि जो हम रिसीवर को लिखना चाह रहे हैं। अब चूंकि ये कंप्लेन लेटर है तो इसकी बॉडी में हम कंप्लेंट से रिलेटेड जितनी भी डिटेल होगी वो सारी की सारी अपनी बॉडी में लिखेंगे। तो हम अब इस बॉडी को डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर डिलीवरिंग ऑफ सोनी टीवीज एंड डेल कंप्यूटर ऑन November 30, 2018, बट वी रिग्रेट टू से दैट वी रिसीव्ड सम कंप्लेंट फ्रॉम अवर कस्टमर रिलेटिंग टू सोनी टीवीज। द वॉइस एंड कलर रिजल्ट ऑफ सम सोनी टीवी इज नॉट गुड। वी वुड लाइक इफ यू सेंड अस निपमिट एट वंस टू रिप्लेस देम। बेसिकली इस कंप्लेन लेटर में सोनी टीवी से रिलेटेड कंप्लेंट की गई है अपने सप्लायर को या सेलर को, यानी जो आपने हमें सोनी टीवी और डेल कंप्यूटर जो डिलीवर किए थे, लेकिन उसमें जो सोनी टीवी है, जब हमने अपने कस्टमर को वो सोनी टीवी डिलीवर कर दिए या बेच दिए, तो बाद में उन्होंने हमसे कंप्लेंट की है कि इसमें कुछ सोनी टीवी है जिनकी आवाज़ और कलर साफ नहीं है। तो अब हम इसमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अगर हमें ये जो सोनी टीवी है इसको रिप्लेस कर दें। अब छेवें नंबर पे हमारे पास आता है सैल्यूटेशन, यूअर्स फेथफुली। और लास्ट पे सेवन नंबर पे हमारे पास सिग्नेचर आता है, कैसर अली मैनेजर परचेज। जो ये लेटर लिख रहा है वो एंड पे अपने सिग्नेचर करेगा और उसके साथ अपनी डेजिग्नेशन भी लिखेगा।